आप देख रहे होंगे, यानी मैं आज आपको फिश बेक करके बताऊंगी विद फाइल। फाइल के अंदर मैंने ये फिश को बेक करना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए और इसको किस तरह करना है। पहले हम इस तरह ये दो पीस मैं आपको बता रही हूँ, इसी पे आप ज्यादा भी बना सकते हैं। इस तरह लेके इसको अच्छी तरह धो के इन पे आपने डीपली इस पे कट लगाना है। देखिए हमने कट लगा लिया है, लेनी है इसके अंदर हमने ये फाइल को रखना है। इसके बाद हमने ये लेमन जूस रखा है, इसको हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। इस तरह ये हमने लहसुन रखा है, गार्लिक इसके पीसेस आपने लेने हैं। हमने लेमन को काट के इस तरह रखना है, ये भी नेशनल वालों का मैंने मछली मसाला यूज किया है, आप होममेड भी यूज कर सकते हैं। ये देखें, पकड़ के इसके ऊपर अप्लाई करना है। जो आपको मैंने गार्लिक बताया था ये आपने पकड़ना है और इसके अंदर डालना है। इस तरह इसका एक अपना फ्लेवर आता है, ये भी आपने इसके अंदर डाली है। एक दो बटर है, ये मेल्ट कर लें, इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अच्छी तरह ये देखें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपने ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आग आपको कैसी लगी। हमने ओवन को प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है, उसके बाद हमने इसको इस तरह करना है। अब हम इसको प्री जो हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है उसके ऊपर, उसके अंदर हम इसको 20 से 25 मिनट बेक होने के लिए रखेंगे। बिस्मिल्लाह 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारी ये फिश बेक हो गई है। अब हम मैं इसको बाहर निकालने लगी हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको खोलते हैं, ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त सी हमारी फिश बन के रेडी हो गई है। ये मैं इसको भी खोलती हूँ, आपने ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही अच्छा है। ये देखें जी, ये हमारी ये जबरदस्त फिश बन के रेडी हो गई है।